हेलो फ्रेंड्स, अगर कस्टमर ने बीके सीरीज का रेफ्रिजरेटर परचेज किया है तो डेमोन्स्ट्रेशन में आपको किन की फीचर्स को हाईलाइट करके बताना जरूरी है, यह मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। नंबर एक, लार्ज बास्केट विद ह्यूमिडिटी कंट्रोल। इस फ्रिज में आपको एक 28 लीटर का लार्ज बास्केट मिलता है जिसमें आप ज़्यादा मात्रा में सब्जियां या फल रख सकते हैं। यह ह्यूमिडिटी कंट्रोल के साथ आता है जिससे इसमें रखी हुई सब्जियां या फल खराब नहीं होते हैं। यह एक 20 लीटर का प्राइम फ्रेश कंपार्टमेंट है जिसमें आप 4 टाइम सेविंग मोड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर इसमें सब्जियां या फल आदि भी रख सकते हैं। इस रेफ्रिजरेटर में फ्रीज़र कंपार्टमेंट नीचे दिया गया है। जब फ्रीज़र सेक्शन का इस्तेमाल ना करना हो तो आप इसे फ्रिज में कन्वर्ट कर इसमें सब्जियां आदि सामान रख सकते हैं। इसके अलावा आप 4 टाइम सेविंग मोड्स के लिए भी इस सेक्शन को कन्वर्ट कर इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा है एडवांस टाइम सेविंग मोड्स। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप प्राइम फ्रेश कंपार्टमेंट और फ्रीज़र में 4 एडवांस टाइम सेविंग मोड्स का बेनिफिट ले सकते हैं। सबसे पहले आपको प्राइम फ्रेश बटन को प्रेस करके इसे इनेबल करना है। उसके बाद आपको इस कंपार्टमेंट में जिस मोड का इस्तेमाल करना है उसके लिए प्राइम फ्रेश बटन को उतनी बार प्रेस करना है, जैसे टिफ़िन फ्रेश के लिए 1, इंस्टा कुक के लिए 2, प्रो चिल के लिए 3, प्रो मैरिनेट के लिए 4 और फ्रिज के लिए 5 सेलेक्ट करना है। आप जैसे ही फ्रिज के लिए 5 सेलेक्ट करेंगे डिस्प्ले में वेजिटेबल का आइकन बनकर आ जाएगा। जिस भी मोड को आप सेलेक्ट करेंगे वह मोड 2 सेकंड के बाद एक्टिवेट हो जाएगा। उसी तरह से आप फ्रीजर सेक्शन को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको प्राइम कन्वर्टेबल बटन को प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद यहाँ पे लाइट ऑन हो जाएगी जिससे कि फ्रीज़र सेक्शन कन्वर्ट होने के लिए इनेबल है। अब आप अपने ज़रूरत के मुताबिक जिस मोड पे भी आप उसको एक्टिवेट करना चाहते हैं वो मोड आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे टिफ़िन फ्रेश के लिए 1, इंस्टा कुक के लिए 2, प्रो चिल के लिए 3, प्रो मैरिनेट के लिए 4 और फ्रिज सेक्शन के लिए 5। इस तरह से आप 4 टाइम सेविंग मोड्स का बेनिफिट ले सकते हैं। इन टाइम सेविंग मोड्स के मैं आपको फायदे भी बता देता हूँ। पहला है टिफिन फ्रेश। यह मोड पके हुए खाने को 6 दिन तक फ्रेश रखता है, वह ना तो खराब होता है और ना ही उसका टेस्ट बिगड़ता है। दूसरा है इंस्टा कुक। इस मोड पर आप रॉ फूड आइटम्स वेज और नॉन वेज को 6 दिन तक रख सकते हैं। उस पर बर्फ़ की पतली सी लेयर जमती है जो कि रूम टेम्परेचर पर आते ही पिघल जाती है और आप आसानी से उसे काट कर पका सकते हैं। आपको उस फूड आइटम को डिफ्रॉस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और उसका टेस्ट भी बना रहता है। तीसरा है प्रोचिल। इस मोड पर आप कोई बेवरेज या स्मूदी बनाकर रख सकते हैं जो कि 2 घंटे में ही चिल्ड हो जाएगी और उसका टेस्ट भी बना रहेगा। चौथा है प्रो मैरिनेट। जहां आपको चिकन टिक्का और पनीर टिक्का जैसी डिशेस को पकाने के लिए उसे 6 से 8 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रखना पड़ता है, वही काम यह मोड सिर्फ 2 घंटे में ही पूरा कर देता है और आप अपनी डिश को एंजॉय कर सकते हैं। इस तरह ये 4 मोड्स ना सिर्फ आपका टाइम बचाते हैं बल्कि आपकी कुकिंग को भी आसान बनाते हैं। इस फ्रिज में आपको टफिन ग्लास शेल्फ मिलते हैं जो कि एडजस्टेबल होते हैं। साथ ही आप प्राइम फ्रेश कंपार्टमेंट और फ्रीजर सेक्शन को अलग अलग मोड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ आ गया होगा कि कैसे आप कस्टमर को बीके सीरीज रेफ्रिजरेटर का डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं। थैंक यू।